तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं पंद्रह पच्चीस पैंतालीस आदि संख्याओं का वर्ग निकालना दोस्तों जिन संख्याओं के पीछे पांच हो ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना आज हम आपको सिखाएंगे इन संख्याओं का वर्ग आप आसानी से कैसे निकालते हैं तो आज हम इसको सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम आपको पच्चीस का वर्ग निकाल कर दिखाते हैं पच्चीस का वर्ग देखिए पच्चीस का वर्ग इसका वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे या फिर ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले आप एक इक, अंक देखेंगे पांच है तो आप यहाँ लिखेंगे पच्चीस उसके बाद जो भी अंक बचता है उस अंक की गुना आपको किस में करनी है उससे एक अधिक करके उसमें आपको गुणा कर देनी है जैसे यहाँ पे दो लिखा हुआ है तो दो को में एक जोड़ दीजिए तीन होगा अब तीन की गुणा इस दो में कर दीजिए तो कितना होगा तीन दुनी वो आपको यहाँ लिख देना है इस प्रकार आप पच्चीस का वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है देखिए एक और एग्जाम्पल से समझिए जैसे पैंतालीस का अगर आपको निकालना हो तो आप सबसे पहले इकाई के अंक पांच के करिए पच्चीस और अब चार में एक जोड़ दीजिए तो चार में एक जोड़ने पर आपका पांच आता है अब पांच की गुना चार में कर दीजिए पाँच चौक बीस ठीक है दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम पैंतीस का पैंतीस का वर्ग देखिए दोस्तों पांच का लिखा आपने पच्चीस और तीन में एक जोड़ा आपने वो हुआ चार अब चार की गुणा आपने इस संख्या में कर दी तो आपका इसका हुआ बारह सौ पच्चीस देखिये एक और उदाहरण लेते हैं इसमें हम एट्टी फाइव का एट्टी फाइव में कैसे करनी है आपको पांच का वर्ग लिखा आपने पच्चीस और आठ आठ में आपने एक जोड़ा नौ और नौ की गुणा आपने आठ में कर दी तो नौ अठे बहत्तर तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको सबसे पहले पच्चीस लिख देना है और जो भी संख्या है जो भी संख्या मान लीजिए वो एन संख्या है एन में एक जोड़कर आपको उस एन की गुणा कर देनी है देखिए दोस्तों इसके हिसाब से हम देखते हैं एक सवाल करके देखिए मान लीजिए आपको पचपन का निकालना है तो पचपन में आपको पच्चीस तो लिख देना है अब जो ये एन एन बराबर यहाँ कितना है पाँच तो यहाँ पाँच और एक छः छः की गुणा कहीं में करेंगे आप पाँच में तो ये एन बराबर पाँच है तो पाँच गुणा छ बराबर तीस पाँच छीस तो इस प्रकार आप पचपन का भी निकाल सकते हैं दोस्तों आपके लिए सवाल है आपको पंचानवे पिछहत्तर और पैंसठ इन तीनों का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद